क्वेश्चन नंबर सिक्स में है, 8x + 4 = 3 ब्रैकेट में x - 1 + 7। अब देखिए ये जो है वो इधर ही साइड सॉल्व हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं, जितना सॉल्व हो सकता है दोस्तों उस साइड उतना हम सॉल्व कर लेंगे। सो 3 का मल्टीप्लाई x में भी होगा 1 में भी होगा, सो 3x - 3 आ जाएगा +1। ओके अब 8x + 4 है इक्वल टू -++, तो 7 - 3 = 4 क्या आ जाएगा +4। ठीक है हाँ, अब हम क्या करेंगे, अब दोस्तों हम इस 3x को इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे, तो 8x - 3x + 4 = 4 क्या आ जाएगा इधर 5x + 4 = 4। अब इधर 5x = 4 - 4 क्या आ जाएगा 0, सो आ गया 0। उसके बाद x = 0.5 इट मीन्स x = 0, सो x की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब आगे LHS देखिए, LHS में क्या है 8x + 4 = 0 + 4 आ गया है ना, सो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा इधर, सो 4 LHS हो गया। RHS में देखिए, RHS में इधर 3x - 1 + 7, सो 3 0 - 1 + 7। अब उसके बाद दोस्तों क्या होगा, उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 0 करेंगे 1 भी करेंगे, सो इधर 0 आ गया, इधर -3 आ गया, +7 आ गया। ओके सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, और उसके बाद इधर 4 आ गया, सो इधर भी 4 इधर भी 4, तो LHS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा RHS। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सॉल्व हो गया है ना, क्योंकि दोनों इक्वल आ गया, आंसर करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय जय भारत।